नमस्कार आमर विशेष उपस्थापना मतांतर को स्वागत करछु मचिनमई। अमानुषिक अमानवीय विचलित कला भळी दृश्य बारिपदार ए दृश्य को नहीं प्रश्न उठाई वर्तमान बा स्वास्थ्य मंत्री को प्रश्न पचारी राज्यवासी कोविड रोगी ना वास्तविक भाव में जानबन। बारिपदा निकटस्थ बांकीशाल कोविड हस्पिटाल हृदय विदारक दृश्य हस्पिटाल शौचालय एभली पड़ रही रोगी कोविड हस्पिटाल एमती चली चिकित्सा ए दृश्य हूँ बारिपदा निकटस्थ बांकीशाल कोविड हस्पिटाल बेड तो छाड़ू तले बारंडारे एमती कि शौचालय पड़ते रोगी ए दृश्य ही जहाँ अच्छी आम आपण को एमती अनेक दृश्य अच्छी जहाँ देखाई पार्बुन कारण बिना वस्त्र देहरे पोशाक नहीं एमती अवस्था रोगी पड़ते सोशल मीडिया रे ए दृश्य भाइराल होगा पर चिंता बढ़ुची प्रश्न उठुची एमाने कोविड रोगी ना जानवर एमाने ओडिशा रो जदि नागरिक एमानंकु उत्तम स्वास्थ्य सेवा देवाई सरकार कहीं पचघुंचा कहीं एभली एमानंकु विडंबना करा जायछि काहेकि एभली एमानंकु पका जायछि तबे स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबा आमर दायित्व किंतु सरकारंकर सांघातिक अवहेला काहेकि एहाकु नै आजर आलोचना कोविड पेशेंट ना जानबर आउ दायित्वहीनता मध्य मंतव्य रखुछन्ति जिलापाल सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जेतेबेले विजुअल वायरल हेले ये विजुअल को नै कि गणमाध्यम रे मध्य चर्चा हला जनता वर्तमान पचारुछन्ति एवं जेतेबेले आमे खोद स्वास्थ्य मंत्री प्रतिक्रिया नापी चेष्टा करूँ से कौन उत्तर न रखी उठी जाते से दृश्य को देखाई कि गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जो भी जिलापाल ये सब कथार तदंत कर आवश्यकता रही वास्तविक असुविधा कौटी रहा ये भिजुआल केत सत्यता रही कौन ये सब विषय जाणवा परे से एभली दायित्वहीन गोटे प्रेस रिलीज करो प्रेस रिलीज लिखा हो रोगी न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम अच्छी वास्तविक तुम्हें प्रश्न रही जड़े रोगी न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम रही ये जनक दृश्य नुह बारंबार अनेक रोगी एठार एभली अवस्था पड़ते से क्यों असुविधा रही गुरुत्वपूर्ण कथा से न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम था कि मानसिक रोगी ही था किंतु कथा होची से माने रोगी आमंकर जत्न नेवाई से ट्रीटमेंट पर से हॉस्पिटल को आसुचंती जदि हॉस्पिटल एभली दृश्य आसुची ताहले अंततः रास्ता कड़े पड़ा लोक के सुरक्षित दिवे ये एक मन में प्रश्नवाची सृष्टि करुच्छे तेज आपको नहीं कि आलोचना करवा आलोचन बर्तमान आम सहित जोड़ी होती कृष्णचंद्र पात्र बीजेपी नेता श्रीजुक्त पात्र आपको आलोचना को स्वागत जनइबी आपड़ जानते वर्तमान जो भाई विजुआल सोशल मीडिया वायरल होगा गणमाध्यम वर्तमान प्रकाश पाई या देखिले किए भी कांदी पकेबो एवं गोटे हृदय विदारक दृश्य किंतु सबुठ विडंबनार कथा जितेबले प्रशासन ए दृश्य देखुची एभली मिछ रिपोर्ट देउची कारण जिलापाल जो लेटर देउछंती जो प्रेस रिलीज करिछंती से पूरा स्पष्ट भाव में कहउछंती जे एमानंकर न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम अछि वास्तविक जदि भी न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम थाए ताहाले कोनो रोगी मानंकु एभली हॉस्पिटल रे पका जाय कि ये जनता होउछंती ये राज्यवासी रो लोक एमाने मध्य टैक्स देइछंती सरकार को एमानंकर मध्य अंशविशेष रहिछि ये सरकार गठन करिबारे किंतु काहे कि एमानंक प्रति एते अवहेला श्रीजुक्त पात्र सुनी पाउछंती आज्ञा प्रथमे आपण ए दृश्य देखिबा परे कोन प्रतिक्रिया रखिबे देखंतु जहाँ बांकीशाल जो भाई दृश्य घटला ये दृश्य तो कौन सी मनुष्य को सह्य हम ना कि देखले ता विश्वास भी करना किंतु ये घटना घटुची बोले बहु पूर्व आम जिलापाल विषय अवगत करूँ ए विषय आमको किसी किसी मात्रा जना था कि भिजुआल नाला आम बास्तव रूप देखापी जहाँ बांकीशाल घटी एटा मत लगुच सारा भारत बर्षे कौटि भी एमती भाया हो न एटा अत्यंत दुखदायक कथा एवं निंदनीय घटना आम बारंबार जिलापाल महोदय कही एवं एठी जो सरकारी दल नेता माने अछंती तांकु मध्य आम बारंबार क्वेश्चन करी मयूरभंज एक आदिवासी अधूषित जिला बहुत बड़ गोटे जिला ये जिले मेडिकल कॉलेज रघुनाथ पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अच्छी सत्वे आज को 4 वर्ष होगा से मेडिकल कॉलेज रे प्रथम राउंड रे गला कोविड पुणी ये सेकेंड राउंड आसला
सेकेंड राउंड परे आज पर्यंत से गोटे आइसोलेशन सेंटर आईसीयू खोल जापारा वेंटिलेटर टा हेला नाही। आमे बारंबार एक कथा जिलापाल को जणैबा सहित मुख्यमंत्री को मध्य दाबी पत्र देइछु किंतु आ उपरे कोनोसी पदक्षेप निया जाय नै जहां पाई के आज एबड़ी घटना घटिला सारा जिला रे मयूरभंज जिला उते एतो बड़ जिला श्रीजुक्त महापात्र देखु सरकार तो एभली विधि व्यवस्था वर्तमान तैयारी करना कि जो लोक मैंने उचित ट्रीटमेंट पाई किंतु जो चित्र सामना को आसूँ घंट घोड़ेवाई सत उपर पर्दा ढांकवाई जिलापाल मिछ कौन क्या वास्तविक से सुरक्षा देवाई चेष्टा कर मुझे एक कथा सकाळे आज कही यार रिपोर्टा जीरो हम बिग जीरो हम कारण माने जो जिलापाल अच्छा सीए सरकार द्वारा परिचालित एटी जो मंत्री अच्छा जो पर्यवेक्षक अच्छा द्वारा परिचालित सीए जहाँ कह रिपोर्ट ता हम एवं आज जो कोविड सेंटर टा जो अच्छी बांकीसोड़े से कोविड सेंटर विजु जनता दल रे तुंग नेता जी कि दल को परिचालित करूँगी भूमिका विरुद्ध महापात्र परवर्त समय आसवे आलोचना जारी रखा कि बर्तमान आम सहित जोड़ी होती पिंटू माइती भंजसेना सभापति श्रीजुक्त माइती आपको आलोचना को स्वागत जनइबी प्रथम आपंकर रिएक्शन नेबू जे विजुआल देखिए आप प्रथम कौन कहे नमस्कार देखंतु जो कहबरा नगुन उदाहरण बा जो विजुअल आम देखु ता कौन सी भी लोक छाती को निश्चित भाव कहभर मयूरभंज जिले में कोविड हॉस्पिटल बा ये हवाटा बहुत प्रशंसनीय कथा मात्र जो कोविड हॉस्पिटल लोकों विश्वासभाजन हो पार ना कहीं कारण लोक जाणी सारे से प्रकार ट्रीटमेंट चली लोक कौन मृत्युवरण कर लोकलोचन को आसी सारे मात्र सरकार बा प्रशासन ये सब जाणी शुणी आज चुप रही सरकार को बारंबार आम चेतु जिला प्रशासन को बाबद बारंबार आम चेतु कोविड हॉस्पिटल जो चिकित्सा हूँ जो चिकित्सा हूँ ठीक भाव ट्रीटमेंट करा ए बाबद भंजसेना किसी दिन आगु प्लाकार्ड मध्यम जेहेतु कोरोना कटकणा चलता स्ट्रेन्थ सो न पारिबनी तेणु आम घरे बस प्लाकार्ड मध्यम रोगी को उन्नत धरण चिकित्सा सेवा जोगाई देवा सहित जो रोगी जो तांकर जो रोचान जो संपर्क कि संपूर्ण तथ्य दि जाइ पार राज्य स्वास्थ्य भित्तिभूमि असजड़ा किंतु कथा किम्स हॉस्पिटल को जेते अधिक टंका जाउची जे कोविड सेंटर हॉस्पिटल अच्छी कोविड सेंटर गुड़िक अच्छी ताठू अधिक सबुठ किम्स हॉस्पिटल को जाउची सबुठ गुरुतर कथा जेते मात्रा रे टंका जाउची प्रति रोगी पिछा हजार हजार टंका खर्च होउची ताहले एभली अवस्थार चित्र बा एभली चित्र काही के सामना को आसुची असुविधा कुठ रहिची देखंतु एहा समस्त समस्त मयूरभंज वासी बा समस्त पई प्रश्नवाची सृष्टि होउची जे प्रशासन को बारंबार ए बाबद आमे अवगत कइला परे प्रशासन चुप कोन पई जो माने दायित्व रे अछन्ति पीआईटीडीए कोहंतु बा एडीएमओ कोहंतु से माने करूछन्ति कोन से माने आज चुप अछन्ति कोन जे किछि दिन बा पूर्वरो जिलापाल निजे गले अनुध्यान करिया पई आज जिलापाल गोटे एबे आज सकाळु किसी मीडिया बंधु मैंने जिलापाल सहित ए बाबद आलोचना करते रिपोर्ट आस जिलापाल कहते सब बेसलेस ताले कौन जिलापाल करूँ कौन जब जिलापाल जाध्यान करते बारंबार कोविड सेंटर उपर जो आस लोक ट्रीटमेंट पाई पार ना जो नग्न उदाहरण किए खाइबा बेले पड़ी किए बाथरूम पड़ी किए बेड तले पड़ी ये कौन ये कौन मिछ मिथ्या निहाती निश्चित भाव से लोक ट्रीटमेंट ठीक भाव में पाई ना जदि राज्य सरकार तो डिक्लेयर कले सब सीसीटीवी लगे संपर्क मैंने संपूर्ण विवरणी पाइबे पेशेंट केमती अच्छी जदि राज्य सरकार न लगे पार्टी आपको अपील करी तार छाती थरी उठ आखिर लुह खसी पड़ कारण वास्तविक एभली दृश्य जे गोटे मनीष एमती अवस्था जो जीवन बचुव वर्तमान सुधा तार प्राण अच्छी जदि एमती सेठे पका जाए बासंतु से वास्तविक भावतु से कौन अनुभव करते भिजुआल देखी आमे व्यस्त होमें ब्रत होने तार संपर्क से निजे पेसेंट जे एवं घर लोक एम कौन फिल करेंगे परवर्त समय आलोचना जारी रखा कि समय हूँ एक ब्रेक र
ब्रेक पर स्वागत आम आलोचना करुचे जे बारीपदा कोविड हॉस्पिटल रे किभली रहिछि अव्यवस्था रोगी माने बारंडा रे शौचालय रे अति दयनीय अवस्था रे पड़ी रहिछंती एने के आम आलोचना करुचे जे कोविड पेशेंट ना जानवर तबे वर्तमान आम सहित जोड़ी होती आलोचन लिपिका नायक स्वास्थ्यकर्मी जोड़ी होती तबे लिपिका मैडम आपण जानवाप चाहिए जेहेतु जड़े स्वास्थ्यकर्मी जितेबाला हॉस्पिटल को देखती कोविड केयर कथा जदि कह वास्तविक सेठार कौन चित्र थाए से डॉक्टर जो स्वास्थ्यकर्मी जी संख्यक रहा कथा से था एवं आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ हो जिला प्रशासन सठिक भाव में तदारख करे ना ना नमस्ते जेहेतु आज जो आम जो विजुअल जो भाइराल होची तो मो कह कथा जदि आम पाखे लोकबल अच्छी ताले आम गोटे सुस्थ समाज गढ़ी पारिबा जदि आम पाखे लोकबल सेमती किछि नाही ताले आम सुस्थ समाज इठी गढ़ी पारिबानी तेणु करिकि मो जहाँ भाबुची एठी आमर जिला प्रशासन किए जिला प्रशासन कलेक्टर नुहंती मयूरभंज जिला प्रशासन होती केवल बबी दास मान्यवर महोदय से बबी दास सी जहाँ कहे से हम आज भी सी जहाँ कहले माने ए जो आमर विजुअल जो भाइराल होटा आज्ञा दि दिन पूर्व होती आज कथा आज तदारख कले आज ही कहले से लोक जी से लोक हूँ मेन्टाल एवं से मद्यप ठीक अच्छे एक भी कलेक्टर तदारख रे जोटा होती ठीक अच्छे जदि से मद्यप जदि से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अच्छी तेज कहीं मेंटल हॉस्पिटल न नहीं कोविड हॉस्पिटल नियागला यार उत्तर दे पारे कि कलेक्टर सर ना यार उत्तर आप बबी दास दे कलेक्टर सर देते तेणुक मयूरभंज जेहेतु गोटे आदिवासी अधिसूत अंचल बबी दास यार पूरा पर्यवेक्षक तदारख कर तेणुक कलेक्टर सी जहाँ कहे आम कलेक्टर सर भी से करेंगे जमती कि आम मानक आम एत स्ट्राइक कला भी छटे आम मानक जो आम भी कोविड रे काम करूलु कि आम मानक जो छटे कर दिगला तो ये मेन पावर सर मो जानवर मेन पावर तो ये नहाँ तेणुक मेन पावर थी सीना मानने ठीक तदारख हो पारता गोटे पेसेंट रो लिपिका मैडम आपण कहते जे वर्तमान जितेबाला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन एभली प्रेस रिलीज करुच्ची जिलापाल जदि प्रेस रिलीज करुच्ची ये लेखा बा ये मंतव्य आउ कह ए जो प्रेस रिलीज एटा गोटे केवल कौन कहबि कथारे अच्छी खजूरी गछर किगुण गायबि मूलरू पहाच पहाच एटी होउछन्ते हमर खजूरी गछ कलेक्टर सर तेणु करी सीए ऊपर ऑर्डर माने ऊपर माने बबीस दास जहाँ भी ऑर्डर करछन्ते कलेक्टर सेया ही मानुछन्ते से सेया ही आमको करुछन्ते काईना आम प्रति कलेक्टर सारंकर हौ अवहेला काईकि अछि ना जेहेतु आम इलेक्शन रे कोनोसी कैंपेनिंग करि परिबुनु आशा अंगनवाड़ी दीदी माने कैंपेनिंग करिकि वोट आदाय करि परिबे सेहिथि पई ही केवल बबी दास जहाँ कहउछन्ते आम कलेक्टर सेया ही मानुछन्ते आम कथा टोटली एबे भी सुना जाउ नाही लिपिका मैडम निश्चिंत भाव में ये दृश्य देखा पर जे कहीं भी तार हृदय कांदुची कारण वास्तविक भाव में जो भाई भाव में लोक मैंने पड़ी रोगी मैंने जो अवस्था पड़ी निश्चिंत भाव में ये प्रश्न उठुची जे सेठारे डॉक्टर नर्स एम अच्छा ना ना ये दृश्य को सेने देखुं ना ना कारण जदि आम भिजुआल मध्यम दृश्य देखी एत व्यतीव्यस्त होस्तविक जो आखि सामने एभली दृश्य देख कि आड़े पार कहीं एत अवहेला ये लोक मैंने सरकार गठन में सेमकर मुख्य भूमिका रही सरकार चलने टिकस दौंस कितु कहीं अव्यवस्था मयूरभंज जदि आदिवासी अधूषित अंचल लोक तामर मनीष नुहति से कौन मानव नुहति ना से कौन निजर सम्मान ना निहाती भाव में लिपिका मैडम परवर्त समय फेरबि एवं आलोचना सहित हे कि बर्तमान फेरबि श्रीजुक्त महापात्र पाखक श्रीजुक्त महापात्र जो कथा आपड़ शुणुते जे वास्तविक भाव में लिपिका मैडम कहते जे मयूरभंज खासकर जिले में कौन सब घटे और जहाँ सब डिसीसन जाए से डिसीसन आउ किए नि पूरा खोलाखोली कहते बबी दास कथा जी सी ही सब डिसीसन नि जिलापाल केवल नाम को मात्र देखो टिके आगर मुझे इनडायरेक्टली कही जोटा कि वास्तव कथा कहले सत कथा निछक सत कथा खुलिक कहले 24 तारीख दिन बात्या आगाम दिन आम गोटे प्रतिनिधि दल सब विधायक आम जिला सभापति आम जा कलेक्टर को भेटी बात्या परिप्रेक्षी में कोविड हॉस्पिटल बाकी सर्ट विषय बहुत अभियोग अच्छी तेणु गोटे टीम जो थी आम डॉक्टर बंधु भी जन विधायक अच्छा
ଆମେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆମେ ଯିବୁ ଯାଇକି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ବାକି ଷୋହଳ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କଥା ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଦେଖିବୁ ଏହା ସତ୍ୟ କି ମିଛ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଆମେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ। ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ତା ପ୍ରାଇଭେସି ରହିବ କହିକି ସେଇଟା ବି ସେ ଏଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ସେଠି ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ସେ ଏଡ଼େଇଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଜି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ସେ ବାଙ୍କିଶୋର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଭିତରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟା ଉଡ଼ାଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଏଇଟା ନିଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ କଥା, ଏଇଟା ବାସ୍ତବ କଥା ରହିଛି। ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରୁ ରହୁଛି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ସେଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଯେ କୋଭିଡ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଡ୍ର କୋଉଠି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଇଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମିଛ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ କିଛି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର କଥା କହୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଇଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରିବାର, ତଦନ୍ତ କରିବାର, ସେଠି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତିଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଇତି, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେଉଁ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବା ଜଣଙ୍କର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖସିଯାଇଛି, ହୁଏତ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସେଠୁ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ରଖାଯାଇଛି? ଆଉ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ସେଠି ଅନେକ ରୋଗୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଦେଲୁ ଯେ କୋଭିଡ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦିଆଯାଉଛି ବା କିପରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆମକୁ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ସେ ଭିତରେ କହିଥିଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ମତେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ରାତି 10ଟା ପରେ ସେଠି ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସରିଯାଉଛି ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇଦିଆଯିବ। ମାନେ ରାତି 10ଟା ପରେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ କୌଣସି ନର୍ସ ବା ଡକ୍ଟର କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀ କୋଉଠି ପଡିଲା, କିଏ ବାଥରୁମରେ ପଡିଲା, ତାର ଠିକ ସଠିକ ଖବର ରହୁନି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା। କାରଣ ଇଏ ଚିତ୍ର ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାନା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଯେ ବାସ୍ତବିକ କିଛି ସେଠି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଥିବ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ବ୍ୟତୀତ କରୁଛି। ଯଦି ସରକାର ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ, ରୋଗୀ ପିଛା ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଆଧାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥାନ୍ତା ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଯଦି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନବିକତା ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବଙ୍କର, ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବିଜେପି ନେତା, ପିଣ୍ଟୁ ମାଇତି ଭଞ୍ଜସେନା ସଭାପତି ଏବଂ ଲିପିକା ନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ। ସମୟ ସୂଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତାନ୍ତରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।